Hello students, today we will revise the all chapters of the English language. In English language, as you know that there are grammar book and active English book both. So let us start with the grammar book chapter 1 that you have done already, but today we have to revise it. So chapter 1 is common noun and proper noun. As you know, nouns are the words that name people, animals, places and things. And common nouns are the places, people, places, animals or things of the same kind that are called the common nouns, as for example, girl, car and bus. And I taught you the question number A. It is to underline the common noun. Like that, Amira rides on her bicycle in the park. तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि अमायरा जो है वो प्रॉपर नाउन है. विच एवर हैज़ बिन रिटन इन द कैपिटल लेटर दैट आर द प्रॉपर नाउन. तो अमायरा प्रॉपर नाउन है और इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? पार्क और बाइसिकल, जिसका ना कोई ब्रांड है ना कोई नेम उसका बताया गया. वैसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे खुद से और ट्राई करेंगे खुद से करने का, क्योंकि ये रिविज़न है. जैसे रंजीत हो गया प्रॉपर नाउन, कार हो गया कॉमन नाउन, एरोप्लेन हो गया कॉमन नाउन, एयरपोर्ट हो गया कॉमन नाउन, मंकी है कॉमन नाउन, रोड है कॉमन नाउन, स्टेडियम है कॉमन नाउन, ऑरेंज है कॉमन नाउन, बैलून्स है कॉमन नाउन, लिटिल गर्ल है कॉमन नाउन और बिल्डिंग है कॉमन नाउन. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बी में है कॉमन नाउन्स को ग्रीड बनाना है. ये तो आप इसे फाइंड आउट करके बना ही लेंगे. देन टर्न द पेज. इट इज़ अबाउट द प्रॉपर नाउन. सो एज इज द रिटन दैट प्रॉपर नाउन आर द स्पेशल नेम्स. स्पेशल नेम किसी भी आदमी का, पीपल का, प्लेस का, animals ka, things ka, that's called the proper noun and it always begin with the capital letters. Aditi, Rahul, ye sab main aapko bata hi chuki hu. See the question of C, circle the proper nouns. Isme aapko kaise samajh aaya, jo capital letters hai, Asif, Kolkata, Howrah, Bej, ye sab hai proper noun. Days name, months name, ye sab hote hai proper noun. Second question mein kya hai, Saturday, March, ye sab proper noun hai. Third mein Diwali, Jaipur, proper noun. Four, क्वेश्चन नंबर 4 सिमरन प्रॉपर नाउन. 5 एनिड ब्लैटन प्रॉपर नाउन. 6 में क्या है, पॉली इज प्रॉपर नाउन, पैरट इज कॉमन नाउन. ओके, देन सी क्वेश्चन नंबर डी. इसमें क्या करना है, आपको जो प्रॉपर नाउन है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है और जैसे जो लिखा हुआ सेंटेंस उसको रीराइट करना है. मैंने फर्स्ट वाला लिख करके आपको बता दिया है, बाकी सारा आपका होमवर्क है और उसको आप रिवाइज करके फिर से लिखेंगे. फर्स्ट वन इज़ आई थिंक सेरेना विलियम्स इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टेनिस प्लेयर. सेरेना विलियम्स जो है वो नेम है गर्ल का जो टेनिस प्लेयर है वर्ल्ड की बेस्ट, इसलिए सेरेना विलियम्स को हमने कैपिटल लेटर्स लिखा है. ठीक है, वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में टिप्सी डॉग का नेम है, मैंने उसको मार्क कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, वो सबको आपको कैपिटल लेटर से लिखना है. देन टर्न द पेज. क्वेश्चन नंबर ई, द मैच द कॉलम. आई हैव गिवन द नंबर्स ऑफ दैट थिंग. सरोजनी नायडू पोएट, हैरी पॉटर कार्ट बॉय विजार्ड, रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट, पेरिस सिटी, बाइबल इज अ होली बुक, मिकी माउस इज अ कार्टून करेक्टर, मंडे इज अ डे ऑफ वीक एंड सानिया नेहवाल इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर एफ. आई हैव गिवन यू ऑल्सो द नंबर्स. नंबर वन इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया द मंथ ऑफ जून. नंबर वन इज जून. नंबर टू इज केक. नंबर थ्री इज ट्रेन. नंबर फोर इज, फोर में दो आपका फिल्म ब्लैक है. सो फोर, फर्स्ट में किटन, सेकंड इज स्टेला एंड नंबर फाइव इज कावेरी, नंबर सिक्स इज फायरमैन. ओके, देन सी चैप्टर टू. इन चैप्टर टू इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर मीन्स आप जानते हैं एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन. द नाउन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ द थिंग्स दे नेम. That is singular, a flower, ice cream, a boy, a tiger. And plurals are rivers, bodies, benches, toys and girls. So question number A, मैंने आपको एक बना दिया है, इसमें बस आपको S add करना है. As for example, first is balloon. S add करके क्या हो जाएगा, balloons. वैसे ही आपको सारे में बस S add करना है. और उसके जस्ट नीचे देखिए, we add ES to some nouns that end in OS, SS, SH, CH and X to form their plurals. इसमें जो भी नाउन लास्ट में, उनके लास्ट में ओ लगेगा या एस है, देखिए हीरो में जैसे ओ है तो ई एस लगाए, बीच में सी एच है तो ई एस लगाए, क्लास में डबल एस है तो क्लासेस ई एस लगाए, टैक्स में एक्स है तो ई एस लगाए, बुश के लास्ट में एस एच है तो ई एस लगाए. ठीक है, वैसे ही आपको नेक्स्ट पेज 5 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर बी आपको वैसे ही मिला के कर देना है.
बी सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर एक है तो सिंगुलर है, दो है तो प्लूरल है, तो सारे ही तो इसमें, बस क्वेश्चन नंबर 4 और 8 को छोड़ के बाकी तो सारे प्लूरल हैं। तो 4 क्वेश्चन में होगा टूथब्रश, ठीक, और 8 क्वेश्चन में होगा ग्लास, बस, और सारे में आपको ES वाले में लगा देना है, ठीक है। देन सी क्वेश्चन नंबर सी, राइट द प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर नाउंस गिवन बिलो। आपको उसका प्लूरल लिखना है, CH वाले, SH वाले, O, डबल S, CH, CH, O, S, ये सब में क्या लगाना है, सब में ES लगाना है। मैंने एक बना के दिखा दिया है, BENCH बेंच, तो उसका प्लूरल क्या होगा, BENCHES, ES लगाना है, बेंचेस। वैसे विशेस, हीरोज, ड्रेसेस, इंचेस, बीचेस, टोमेटोज एंड बसेस। इन द पेज नंबर 6 द नाउंस दैट एंड इन आई वाई, y में अगर नाउन का एंड हो, एज फॉर एग्जाम्पल बेबी, तो y को किस में चेंज होना है, IES में, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा बेबीज। सिटी, तो y को किस में चेंज हो जाना है, IES, सिटीज। फिर की, इसमें देखिए नेक्स्ट में आपको दिखाई, इफ द लेटर बिफोर द y इज वॉवल जस्ट एड s, लेकिन अगर y के पहले सिर्फ लेटर वॉवल हो तो उसमें सिर्फ s आपको ऐड करना है, IES नहीं ऐड करना है। एग्जाम्पल इज की, KEY, y के पहले क्या है, वॉवल है e, तो क्या हम लिखे s। बॉय, BOY, y के पहले क्या है, o, वॉवल, तो उसमें हम वो IES नहीं ऐड करते हैं, बस s ऐड करते हैं। वैसे ही आपको इसमें पूरा डी क्वेश्चन को फिलअप करना है। नंबर 1 इज देयर आर मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कंट्री का प्लूरल क्या होगा, कंट्रीज, तो y के पहले यहाँ r है जो वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने y की जगह पे IES लगाया। वहीं पे आप सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, द लेडीज़, वो तो y के पहले भी कॉन्सोनेंट d है, तो लेडीज़ हो जाएगा IES, और हैड द कीज़, तो y के बाद इसमें y के पहले क्या है, e लगा हुआ है जो कि वॉवल है, इसलिए हमने क्या लगाएंगे, सिर्फ s। सो हैड द कीज़ टू देयर कार्स, ऐसे ही आपको ध्यान से सब कुछ करते हुए इसमें यह क्वेश्चन नंबर d को फिलअप करना है। Then see, we usually form plurals of nouns ending in F or FE. F or FE जिसके एंड में हो, जिस भी नाउन के एंड में, उसको F और FE को हटा करके हम क्या लगाएंगे, VES. As for example, CLF, calf. तो F के जगह पे क्या होगा, VES, calves. LIFE, life. तो FE है यहाँ पे, calf में तो F था, life में FE है, तो FE को हटाएंगे और लिख देंगे वहाँ पे VES. So LIVES. ऐसे ही आपको ब्लैंक्स फिल करना है। क्वेश्चन नंबर ई, वूफ, डब्ल्यू ओ एल एफ, तो एफ के जगह पे आपको क्या लगाना है, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा सेंटेंस में चेंज करके लगाना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ में क्या है, एफ ई, तो वहाँ क्या होगा, एल आई वी ई एस। थीफ में क्या है, टी एच आई ई एफ, तो आपको वहाँ पर क्या लगाना है, टी एच आई ई वी ई एस, एफ को हटा देना है। वैसे ही वाइफ में भी हो जाएगा, ठीक है। Then the next rule is we form plurals of some nouns by changing one or more vowels. जो noun को change करते हैं तो उसका plural का plural में उसका vowel ही change हो जाता है, जैसे m a n man, तो a है इसमें vowel, उसको सीधे ही plural जब बनाएंगे तो m e n men, man means एक आदमी, m e n men means बहुत सारे आदमी, तो इसमें क्या change हुआ, vowel change हुआ, बीच में जो vowel है वो change हुआ। ऐसे ही f double o t, foot, foot means एक पैर, और उसका प्लूरल क्या हुआ, फीट, एफ डबल ई टी फीट, तो इसमें भी वोवल चेंज हो गया, डबल ओ जो है वो डबल ई में चेंज हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको एफ नंबर मैंने करके दे दिया है, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मिस ने कैसे बताया है, और आप खुद से इसको समझिएगा, ठीक है। देन सी क्वेश्चन नंबर जी, रीराइट द सेंटेंसेस बाई चेंजिंग द नाउंस इनटू प्लूरल। आपको सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है। द चाइल्ड वेंट टू द शॉप विद द वुमन, तो चाइल्ड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, तो इस चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स एक से ज़्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो इसको रीराइट कैसे करेंगे, द चिल्ड्रन वेंट टू द शॉप विद द वमेन, तो है सिंगुलर, तो वमेन के यहाँ पे जो मैन का होगा एम ई एन, वो प्लूरल बना देगा, तो डब्ल्यू ओ एम ई एन वमेन, द चिल्ड्रन वेंट टू द शॉप विद द वमेन, ठीक है। ऐसे आपको पूरा करना है, मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है, आपको मार्क कर दिया है, लीफ, सिस्टर, मिनिस्टर, हाउस, कैट, माउस, ये सब का आपको प्लूरल लिख करके और इसको रीराइट करना है, ठीक है। देन टर्न द पेज 8, इन क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो द वुमन कैन वियरिंग अ ब्लू शर्ट एंड ब्लैक स्कर्ट, तो वुमन को हम तो ओमेन कर देंगे, एम ई एन, द ओमेन
वॉज है तो वॉज तो नहीं होगा, वॉज तो सिंगुलर हो गया, तो उसको वेयर करेंगे, तो वोमेन वेयर वियरिंग ए ब्लू तो नहीं, जब वोमेन हो गया वेयर हो गया तो एक से ज़्यादा है तो ए हम नहीं लिखेंगे, और वहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, ब्लू शर्ट्स, शर्ट्स में एस लगाएंगे एंड ब्लैक स्कर्ट्स, स्कर्ट्स में भी एस लगाएंगे, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, द वेमेन वेयर वियरिंग ब्लू शर्ट्स एंड ब्लैक स्कर्ट्स, ऐसे करके आपको लिखना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में द पेंटर्स बॉट न्यू ब्रशेस, और इसमें भी नहीं लगाना है, आ मीन्स एक हो गया, ब्रश भी ए न्यू ब्रश, एक ही ब्रश एक पेंटर लाया था, जब हमने प्लूरल बनाया पेंटर्स तो ए नहीं लगाया, एक ब्रश नहीं, और ब्रश को ब्रशेज बनाया, ठीक है, ऐसे आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर एच, सर्कल द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउंस इन द ग्रिड, ये मैंने आपको दे दिया है, जैसे जैसे जो भी नाउंस है उसको सर्कल करने का, उसका फाइंड आउट करके सर्कल कर लेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। सो दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।